देखो भाई, मार्केट कैसा भी हो, साइडवेज हो, ट्रेंडिंग हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, कैसा भी हो मार्केट, आपको सिर्फ ट्रेड लेने से मतलब है। ट्रेड कभी लेना है वो भी आपका माइंड में होना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज हो तो रुक के ट्रेड लो। अभी सुबह मेरे को 3 मूवमेंट मिल चुके थे, देखे मैंने मिक्स किया वो मूवमेंट। इधर मैं उठ गया सुबह, इधर एक और इधर एक। चलो मान के इधर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो मैंने जल्दी से लगे कॉल लगे बाय कहते बाय किया होता। इधर एक और इधर एक, इतना तो बड़े प्रॉफिट मिले और दिन में बड़ा ट्रेड मिलेगा। इधर एक इतना तो प्रॉफिट हो गया। तो कभी भी आप साइडवेज ट्रेंडिंग मार्केट देखना चाहते हो तो पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो क्या हो रहा है। और ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का, जो कि देखो पूरा साइडवेज, पूरा मार्केट साइडवेज, 23 तारीख पूरा मार्केट साइडवेज है और होना भी चाहिए मार्केट साइडवेज, क्योंकि इतना ट्रेंडिंग मार्केट में एक दिन साइडवेज मार्केट तो चलता है। तो समझ गए ये बात को। और निफ्टी की हालत देखो तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो आप हंसेंगे, कोई बात नहीं, निफ्टी भी आएगा। हर निफ्टी के देखो, निफ्टी भी देखो एक पूरा फ्लैट ओपनिंग देख रहे हो, पूरा फ्लैट है, पूरा फ्लैट। बीच बीच में मूवमेंट दिया उसने भी, इधर एक इधर एक इधर इधर और इधर एक, 3-4 मूवमेंट साइडवेज मार्केट में मिलते हैं। ऐसा मान के मत चलो हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी भी नहीं है और हर दिन पैसा निकालना ज़रूरी भी नहीं है, एक दिन लॉस तो होना चाहिए। आज बहुत बहुत जनों की लॉस भी हो सकती है, बहुत जन का प्रॉफिट भी हो सका, तो हो सका होगा, इतना भी नहीं बोल सकते प्रॉफिट, छोटा मोटा प्रॉफिट ठीक है, कितना भी प्रॉफिट हो। तो साइडवेज मार्केट में आपको सिर्फ ये ध्यान में रखने का है, ज़्यादा लालच नहीं करने का है और ज़्यादा प्रॉफिट कैप्चर नहीं करने का, जितना मिले उतना लेके बाहर पड़ने का है। अभी तो मुझे आज इतना प्रॉफिट मिल रहा था, मैंने इतना ही प्रॉफिट का किया क्योंकि इधर से मार्केट अब ट्रेंड में जा सकता, इसलिए मैंने इधर से प्रॉफिट बुक किया और निकल गया। फिर बाद में मैंने रियलाइज़ नहीं किया अरे इधर रुकता तो और प्रॉफिट मिलता। तो जान दो जितना मिला उतना मिल दिए ठीक है। सोमवार का और 5 दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 5 दिन है, उस दिन में देखते हैं क्या होता है। तो वो सब ये बात तो समझ गया आप। बाकी बोलना जाए तो ट्रेंडिंग मार्केट में दबा के पैसा कमाओ, क्योंकि वो मार्केट अपना ही होता है। वे ट्रेंडिंग मार्केट दिखाता हो कैसा होता है, देखो ट्रेंडिंग मार्केट देख रहे हो, ट्रेंडिंग मार्केट 21 देख रहे हो, इधर एक छोटा, इधर एक बड़ा, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर से तो बहुत ही बड़ा, सीधा सीधा फिर से इधर एक देख रहे हो, फिर से कितना, और अभी मार्केट है साइडवेज देख रहे हो, इतना बड़ा फ़ायदा होता है ट्रेंडिंग मार्केट का। तो जब भी ट्रेड लो तो स्टॉप लॉस पहला लगाओ बस। थैंक यू।